वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है जिसमें भीम युवा संगठन के लोग एक घर में जाकर देवी देवताओं की तस्वीर उतार कर उन्हें फाड़ रहे हैं और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करने का प्रचार कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में जो शख्स भगवान की तस्वीर को उतार कर फाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वह भीम युवा संगठन का जिला अध्यक्ष लोकेश कटारिया बताया जा रहा है। बात सामने ये भी आ रही है कि लोकेश अपने साथियों के साथ मिलकर आजकल गांव-गांव जाकर एक पक्ष के घरों में देवी देवताओं की लगी तस्वीर और मूर्तियां उतरवा रहा है और भीमराव अंबेडकर की ही पूजा करने का प्रचार कर रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो में लोकेश कटारिया क्या बोल रहा है। मुजफ्फरनगर में पढ़ता है, आज हमारे माताजी ने खुद अपने हाथों से हमारे कहने से, हम भीम युवा संगठन के हैं, आज हमारी पूरी टीम आई अपने अपने समाज में। क्यों माताजी, आपने अपनी मर्जी से आज के बाद तस्वीर तोड़ रखो घर में सिर्फ बाबा साहब की, गुरु रविदास जी की रखने के, ठीक है, सिर्फ उनके सामने शीश झुकाओ और आज के बाद इन्हें पानी कहाँ सड़ा जाओगे इन्हें हम सड़वा देंगे, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। हम आज हमने ये काम करा, मैं चाहता हूँ इस गांव में से मेरे युवा टीम जो है ये इस काम को करे, घर घर जाकर अगर ये कहते हम सारे घरों में घूम लेंगे, लेकिन ये खुश करते तो बहुत अच्छी बात है, समय कम है। जय भीम, जय भारत। तो सुना आपने लोकेश कटारे के यह दुस्साहस। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रचारित होने के बाद अब पुलिस प्रशासन भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा है। वहीं जब एसपी सिटी ओमवीर सिंह से इस बारे में पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। अभी आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई है कि कुछ वीडियो इस तरह का वायरल है जिसमें मंसूरपुर क्षेत्र के किसी गांव में कोई पोस्टर किसी का हटाने और किसी का लगाने के संबंध में है। मैंने वीडियो देखा नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस तरह की कोई औपचारिक शिकायत पुलिस के पास नहीं है, थाने से भी जानकारी की है, लेकिन फिर भी अगर किसी कोई इस तरह का एक्ट होता है जिससे कि किसी धर्म की भावनाएं भड़कती हैं, कोई इस तरह का मीडिया सोशल मीडिया पे कोई वो आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो उचित वैधानिक कार्रवाई है उसे कराया जाएगा।